दिवसीय यूरोप यात्रा पर आज जर्मनी के बर्लिन पहुंच चुके हैं और इस दौरान उनका जो भव्य स्वागत हुआ उसकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि 2022 में प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर निकले हैं और इसी के चलते वह आज पहुंचे थे बर्लिन, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। पीएम मोदी से मिलने के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और मोदी मोदी, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। लेकिन आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए, जब पीएम मोदी के स्वागत के लिए बर्लिन में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। इनमें से मौजूद एक भारतीय बच्चे ने पीएम मोदी को कुछ गाकर सुनाया तो पीएम मोदी ने चुटकी बजाते हुए उस बच्चे के गीत को सुना और काफी सराहना की। लेकिन पीएम के कदम उस वक्त रुक गए जब पीएम मोदी को तान्या नाम की एक बच्ची नजर आई जिसके हाथ में एक पेंटिंग थी। उसे देखते ही पीएम मोदी रुक गए और उससे बातें करने लगे। जब पीएम मोदी ने तान्या की पेंटिंग देखी तो उससे कुछ सवाल पूछे। दरअसल तान्या ने पीएम मोदी का स्केच बना रखा था और उस पर लिखा था, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपका बर्लिन में स्वागत है। पीएम मोदी ने इस पेंटिंग पर अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया, साथ ही साइन करते हुए जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे थे। पीएम मोदी ने इस बच्ची के सिर पर हाथ रखा और आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का यहाँ स्वागत किया गया उसे देखकर सब हैरान है। तो आप भी इन खूबसूरत तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।